जी न्यूज पटल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, टोला भीम के जो डबल मर्डर हुआ था उस मामले में सभी लोगों ने यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय को और एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और देख रहे हैं आप ज्ञापन देने के बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आइए वार्ता करेंगे इनसे। और फिलहाल ये बैठे हुए हैं जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर। एसपी पास कौन कौन से गए वो बता दे। जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब को आप लोगों ने ज्ञापन दिया और उसमें क्या रहा, क्या क्या आश्वासन? उन्होंने आश्वासन दिया कि हमको 2-5 दिन का टाइम दीजिए, टीम लगी हुई है, हम हमारी कार्रवाई बहुत जल्द कर देंगे। लेकिन हमने उनसे ये बोला है कि सर हमको जब 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था तो उस टाइम कुछ नहीं हो पाया, तो अब आप 5 दिन में कहाँ से क्या कर लोगे? गांव के अंदर से जो भी दहशत बनी है उसके बारे में बताया है टीम, जो टोडा भीम का प्रशासन जो लूज है और वो भ्रष्टाचार में घुस रहा है, उनको न्यूज देता है, सैडी देता है, तो उसके लिए भी कलेक्टर साहब को बताया गया है और एसपी साहब उनके लिए भी बोला है। और अभी उनकी ओर से क्या है, यह आश्वासन मिला है? उनका यही आश्वासन मिला है सर कि हम कोशिश कर रहे हैं और लगातार कोशिश करते रहेंगे, लेकिन सर हम सेटिस्फाई नहीं है उस आश्वासन से। तो आपकी ओर से क्या नया कदम रहेगा? हमारा नया कदम सर यही है कि हम चाहे एसपी साहब हो चाहे कलेक्टर साहब हो, हमको मार के पीट के कैसे भी भगा दो, लेकिन हम यहीं रुकेंगे, हम जाएंगे नहीं सर। जब तक मुलजिम अरेस्ट नहीं होंगे या इनकाउंटर नहीं होंगे जब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये प्रशासन हमको छीटा दे के भगाए या किसी समझदारी से हमको यहाँ से बाहर करें, हम जाने वाले नहीं हैं। हम गांधीवादी तरीके से यही धरना प्रदर्शन करेंगे, आराम से बैठेंगे। किसी प्रशासन जब तक आपकी बात गिरफ्तारी नहीं करता है तब तक यहीं बैठ रहा हूँ। जी सर, कलेक्ट्रेट के जी सर। कौन में कौन कौन है साथ में? जैसे महिला पुरुष हूँ, उसकी पत्नी है सर, भैया की, हमारे छोटे भैया की पत्नी है, बहन सिस्टर है, बड़े भैया की है, बहन है, दोनों गाँव के सारे सब सर समाज के पंच पटेल हैं, दोनों गांवों से, दोरावली और जोल, दोरावली और जोल के सर, और गांवों के भी हैं, महसवा से भी हैं, बिलोटी से भी हैं, यानी कि प्रत्येक गांव में डर का माहौल है। जी डर का माहौल है सर, खुले घूम रहे सर, रात को पूरी तरह दहशत बनी हुई है, 5 बजे पूरा गांव लॉक हो जाता है, सब लोगों में अंदर से बन नहीं रहा। और आज हमने फैसला लेके हम यहाँ पे बैठने आए हैं एसपी ऑफिस में। तो जैसे धरना कब तक चलेगा? ज्ञापन हम दे चुके कलेक्टर साहब को, जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे। जब तक मुलजिम अरेस्ट नहीं हो जाते या उनका एनकाउंटर नहीं हो जाता जब तक हम यहाँ से हलने वाले नहीं है। यानी कि अनिश्चितकालीन के यहाँ पे? जी बिल्कुल, अनिश्चितकालीन धरना है हमारा यहाँ पे। फिलहाल जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर में धरने पर ही बैठ गए हैं लोग। बच्चा था? आपका भी बच्चा था? हाँ मेरा ही बच्चा था। क्या नाम था? बलराम मीणा। आपका क्या नाम था? विजय सिंह। तो जैसे एसपी साहब से आप कलेक्टर साहब से मिले तो उनकी ओर से क्या कहा गया? कोई आश्वासन दे के कह दिया कि भाई जल्दी जल्दी अरेस्ट करने के लिए। आजा आजा। अभी तक कोई खास कार्रवाई? पहले 5 दिन का अल्टीमेटम दिया, अब ऐसे ही अब क्या कह दिया। 28 दिन बाद दोबारा से आए हो तो दोबारा से क्या कदम उठा रहे हो आप? अब बैठे हैं धरने पे। धरने पे बैठे रहोगे क्या जब तक कोई कार्रवाई नहीं? पुलिस की टीम बराबर लगी हुई है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन वो हाथ अपराधी नहीं लग रहे हैं। और एसपी साहब से भी मिले इस मामले में लोग भाग ये, और लेकिन आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं संतुष्ट, जब तक गिरफ्तार नहीं हो या एनकाउंटर नहीं हो जब तक संतुष्ट नहीं। फिलहाल देख रहे हैं जिला कलेक्टर महोदय एसपी साहब को ज्ञापन देने के बाद में पुलिस, लेकिन अभी संतुष्ट नहीं है इसलिए ये धरने पर ही बैठ गए हैं।